हेलो दोस्तों, आपका किचन किंग में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बासमती चावल की खीर। इसके लिए एक कप बासमती चावल, दूध 1.5 केजी दूध, मलाईदार, इसको गाढ़ा किए, और चीनी आधा कप, थोड़ी सी घी, काजू, किशमिश गार्निश के लिए इलायची। सबसे पहले आप फ्राई पैन बैठाएँ, उसमें आप 2 चम्मच बड़ा चम्मच से घी डालें। काजू डालें, इसको भूनना है। ब्राउन होने तक इसे भूनना है। इसमें किशमिश डाल दें। इस तरह से ब्राउन करना है। अब इसे बंद कर देंगे। इसमें 1 चम्मच घी डालें, फिर इसमें चावल भूनना है। इसे 5 मिनट तक भूनना है। इस तरह से चावल भून लें। अब एक कढ़ाई लें, उसमें गाढ़ी दूध डाल दें, इसको उबलने दें। उबलने पर चावल डालना है। जैसा कि देख रहे हैं दूध उबल रहा है, अब इसमें चावल डाल दें। अब इसे धीरे धीरे आप चलाएँ, कम से कम 20 मिनट तक इसे सिम आंच पर पकाना है। इस तरह से चावल पक चुकी है। अब इसमें चीनी डाल दें, जितना आपको मीठा खाना है उसी अनुसार चीनी डालें। 5 मिनट इसे और चलाएं। इस तरह से आपकी मलाईदार खीर तैयार है। इसमें इलायची डाल दें। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे। इस तरह से मलाईदार खीर तैयार है। आप फैमिली में ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।